The lack of safety equipment while working on open transmission lines, particularly during inclement weather, has injured several workers in Kashmir over the years. There have been over 150 deaths and 1,000 injuries, including several amputations, as estimated by an electrical workers association. Many workers have lost both arms to mishaps at work, but have not been adequately compensated by the administration. जिस टाइम में मैं उस टाइम घर पे था तो दूसरे पीडीएल लड़का एक मेरे साथ काम कर रहा था तो उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा है उनकी सर्विस लाइन ख़राब हो गई थी एक पेशेंट था उस घर में तो मैं गया वहाँ जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा मैंने ट्रांसफार्मर फेज काट काट के आया तो पोल पर चढ़ गया फिर मुझे पता नहीं है कट करंट कहाँ से आ गई मैं नीचे गिर गया मुझे फिर पता कुछ पता नहीं नहीं उस टाइम नहीं थी कुछ भी नहीं था उस टाइम इक्विपमेंट कुछ भी नहीं थे ना सेफ्टी ग्लोव ना हेलमेट्स ना अर्थिंग राड जो होती है कुछ भी नहीं था उस टाइम कुछ भी नहीं था मुझे स्पाइनल कार्ड C5 C6 के सी से उनकी प्रॉब्लम है गर्दन के नीचे थोड़े से कि एक घर वालों को बोल रहा है हमने उसको फीस भर लो उसने बोला आज भरूंगा कल भरूंगा परसों भरूंगा वो करूंगा ये करूंगा तो फिर इंस्पेक्टर वाले ने बोला चलो इसको काटो फिर हम चढ़ गए अब खंभे पे काटा उधर ही लीक लग रहा है फिर मैं गिर गया पत्थर में गिर रहा है उधर में बोल रहा हूँ इसको मुझे पैर है नहीं मुझे कहाँ गए पैर कहाँ मुझे मेरे टांगे है नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन मतलब बदतर से होती है दिन ब दिन कम होती है अब सोच रहा हूँ मैं मतलब मुझे पढ़ना छोड़ना पड़ेगा जैसे इनको कम से कम 6,690 रुपये मतलब जब ये ठीक भी थे वैसे भी मिलते थे अब ऐसे मतलब है ऐसे भी वही 6,000 मिलते कुछ भी नहीं हम ये जो मतलब मेरा पापा है ये इनको कम से कम 20 साल हुए मतलब डिलीवेज कुछ भी मतलब इनको अगर पर मिनट तो इनको किया ही नहीं है इनको बहुत टाइम इनको आजकल बोलते हैं मतलब इनको कुछ भी नहीं करते हैं फिर हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है मतलब इन्हें परमानेंट करो 10-12 दिन सर्जरी के बाद उधर रख दिया फिर छुट्टी किया फिर मैं आया घर AEE एक्जन सब यार दोस्त इंस्पेक्टर लाइन मीन सब पहुंच गया इधर सब आया इधर सभी ने बोल रहा है बता दिया वो करूंगा ये करूंगा पिस्तानी करूंगा मगर किया नहीं कुछ नहीं किया 2019 से आप एक ही जगह पे बैठे हैं एक ही जगह पे बैठे 2019 में एक ही जगह में बैठ रहा हूं द वर्कर्स कंप्लेन दैट देयर सर्विसेज हैव नेवर बीन रेगुलराइज्ड डिप्राइविंग देम ऑफ बेनिफिट्स such as insurance, risk allowance, and better pay grades. They have neither been provided medical help nor compensation by the department. In Jammu and Kashmir, over 11,000 workers have been engaged as daily wagers at different points in time by the erstwhile State Power Development Department, which is now turned into a corporation. When contacted, Kashmir Power Development Corporation Limited officials refused to speak to us. जिनकी डेथस हुई है इस डिपार्टमेंट में दौरान काम उनको एक तो कंपनसेशन दिया जाए दूसरी उनके घर में से किसी एक को मुस्तकिल नौकरी फराहम की जाए नंबर दो जिसके अपाहिज जो अपाहिज हुए हैं तकरीबन 250 से ऊपर हैं जिनकी तादाद 250 से ऊपर जिनकी तादाद है उनको भी कंपनसेशन दिया जाए और 14 जनवरी 2019 को जो DPC हुई है वो बरकरार रहनी चाहिए हम गवर्नमेंट से हम MD साहब से चीफ साहब से ये मांग करते हैं कि वो जो DPC हुई है वो स्टैंड रहनी चाहिए उसी के हिसाब से ऑर्डर्स निकलने चाहिए
कश्मीर प्रोविंस में इस वक्त 6184 होंगे और जम्मू में भी तकरीबन यही तादाद है। जम्मू ये कुल मिलाकर तकरीबन 12,000 के करीब हैं जो डिलीवर इस वक्त काम कर रहे हैं। ये आप भी बखूबी वाकफ़ हैं, इससे आप मीडिया से वाबस्ता हैं, आप रोज़ देखते हैं, चाहे वो 2014 का सैलाब हो, चाहे 2019 का कोविड हो, चाहे और कोई आफत हो, आंधी हो, तूफान हो, ये डिलीवर हर वक्त आप इस डिलीवर को हर वक्त काम करते हुए पाओगे। अगर इलाके में 10 बंदे हैं तो 10 बंदे में से एक बंदे को सेफ टिकट दी गई, वो भी वो सेफ टिकट ना कि सेफ टिकट जो हाथ से टूटती है, उसकी वो टोपी दी गई है वो हाथ से टूटती है। वो इन लोगों ने इसको ये क्या कहें उसको एक बिजनेस बना के रखा है। 10 बंदों में से एक को, 10 बंदों को पोल पर चढ़ना होता है, एक को सेफ टिकट मिलती है। हमने एमडी साहब से इस बारे में बात की, एमडी साहब ने कहा कि हम हर एक को ये सेफ टिकट वगैरह फराहम करेंगे, लेकिन किसी को नहीं मिली आज तक।